अगर बात करें बैंक का तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको 250 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट देखने के लिए मिलेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक पे रहेगा। अगर आप चाहो तो किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट खोल सकते हो, किसी भी अकाउंट को आप यूज कर सकते हो, चाहे वो आप पब्लिक सेक्टर को यूज करो, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर को यूज करो, या फिर चाहे वो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर चाहे आप पेमेंट्स बैंक को भी यूज कर सकते हो, किसी भी बैंक को आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा सुनने में आते है कि बहुत सारा बैंक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारा बैंक तो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, लेकिन सारे बैंक के अंदर अकाउंट खोलना किसी के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी अगर बात करें पब्लिक सेक्टर, अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर, अगर बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर पेमेंट्स बैंक का, तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर बैंक से टोटल 250 से भी ज्यादा बैंक्स अकाउंट है ऑलरेडी, बैंक्स उनका सर्टिफिकेट करते, लेकिन 250 अकाउंट के अंदर अकाउंट खोलना इम्पॉसिबल है। अगर अच्छा तो 250 बैंक के अंदर ही अकाउंट खोलना तो आप खोल नहीं सकते, क्योंकि वो इम्पॉसिबल। हालांकि ये बात अलग है कि अभी तक आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं है कि आप कितना बैंक के अंदर अकाउंट खोल सकते हो, आप इतना अकाउंट होल्ड कर सकते हो, चाहे वो आप 10 अकाउंट होल्ड करो, चाहे वो आप 250 अकाउंट ही होल्ड करो, कुछ भी आप कर सकते हो, या फिर जितना भी चाहो उतना अकाउंट आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है कि जितना भी बैंक से सारे बैंक का अंदर पैसे रखना तो पॉसिबल नहीं है, और आखिर में जितना भी बैंक ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनमें से कौन सा बैंक सही है, कौन सा बैंक बहुत ज्यादा सिक्योर है। आप लोगों को जानना होता है कि कौन सा बैंक के अंदर पैसे में अगर रखू तो वो पैसा होगा सिक्योर, यानी बहुत ही सेफ तरीके से वो पैसा रखा जाएगा। बहुत सारे लोग का ये सवाल होते हैं, बहुत सारे लोग का ये जानना होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 3 बैंकों का नाम बताऊंगा, जो रहेगा 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 1 पब्लिक सेक्टर बैंक। इनमें से 3 जो टोटल बैंक है, ये 3 बैंक ही बहुत ज्यादा सिक्योर बैंक है आरबीआई के हिसाब से, यानी आरबीआई तरफ से रेटिंग किए गए हैं इन 3 बैंक को एज अ सिक्योर बैंक। अगर आप चाहते हो कोई भी सिक्योर बैंक के अंदर अकाउंट खोलना, या फिर अगर आपको जानना है कौन सा वो बैंक जिनके अंदर अकाउंट खोलने पर मेरा पैसा सिक्योर रहेगा, मेरा पैसा सेफ होगा और मुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर इन बैंक के अंदर मेरा अकाउंट होता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पे आप स्किप मत करिए, नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे जो आखिर में आपके लिए कुछ साबित हो सकते, जो आखिर में आपको जानना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, रियल टेक। अगर बात करें आरबीआई का तो इस जगह पे मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी बैंक थे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक, चाहे वो पेमेंट्स बैंक, हर बैंक का निर्धारक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के बिना कोई भी बैंक अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो उसी जगह पे अगर बात करते हैं मोस्ट सिक्योर बैंक का, तो आरबीआई की तरफ से एक रेटिंग किया गया था जहां पर टोटल 3 बैंकों का नाम सामने आया। इन 3 बैंक के अंदर अगर आपका पैसा है तो आरबीआई के हिसाब से मोस्ट सिक्योर बैंक ये 3 बैंक, जहां पे पहले वाला जो बैंक आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई की तरफ से रेटिंग किया है और इनके अंदर रिस्क का फैक्टर है 0.60%। और अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक का, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का अंदर टोटल 2 बैंक को रेटिंग किया गया है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरफ से, जहां पे आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक इस दोनों बैंक को एज अ मोस्ट सिक्योर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक नाम पे आया है, जिनका अंदर पैसा अगर आप रखते हो तो आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर्ड है और इनका रिस्क का फैक्टर होता है 0.20%।
आरबीआई की तरफ से टोटल तीन बैंकों को रेटिंग किया गया है, जिनमें से एक आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक जो है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दोनों बैंकों का नाम आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनका नाम है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आखिर में देखते हैं आखिर में ये तीनों बैंक आखिर में सिक्योर है या फिर नहीं, वो तो पता नहीं है, लेकिन आरबीआई की तरफ से रेटिंग किए गए इन तीनों बैंक के अंदर आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आपका इन तीनों में से कोई भी बैंक के अंदर अकाउंट है या फिर इन तीनों में बैंक के अंदर भी आपका अकाउंट है तो इस तीनों बैंक के अंदर आपका पैसा को आप रख सकते हो, आपका पैसा मोस्ट सिक्योर रहेगा, आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर होगा। हालांकि ये बात अलग है कि आरबीआई के अंदर और एक पॉलिसी है जिनके तहत अगर कोई भी बैंक डूब जाते है तो उनके पैसे का जो होगा यानी आम ग्राहक का जो पैसा होगा आपको 5 लाख तक उनका सिक्योर है यानी 5 लाख तक आपको दिया जाएगा उन बैंक की तरफ से अगर कुछ भी बैंक डूब जाते है। ऐसे की जो जितने भी बैंक ऑल ओवर इंडिया के अंदर सारे बैंक तो सिक्योर है, लेकिन मोस्ट सिक्योर बैंक अगर बात करें तो उन नाम में से टोटल तीन बैंक का नाम है जहाँ पे आईसीआईसीआई एचडीएफसी और SBI। तो इस वीडियो का मेन बनाने का मेन मकसद था कि आरबीआई का जो भी अपडेट आया है, आरबीआई का जो भी लेटेस्ट न्यूज आया है जिनके तहत टोटल तीन बैंक का नाम सामने आया है जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को रेटिंग किया गया है मोस्ट सिक्योर्ड बैंक इन इंडिया। इस वीडियो को यही तक रखते है, जितना हो सके उतना मैं बताने के लिए कोशिश किया, जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया। आशा करते हैं जो इसमें एक्सप्लेन किया आपने हेल्पफुल हुआ है, अगर हेल्पफुल हुआ प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं उसका तुरंत मिल जाए।